हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मई मस्त किचन वन सेकंड। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के साथ कढ़ाई में कैसे रोस्टेड ब्रोकोली और रोस्टेड कैप्सिकम बनाया जा सकता है उसका प्रोसीड्योर दिखाने जा रही हूँ। इसे बनाना बहुत ही आसान है और ये खाने में बहुत ही अच्छा लगता है, स्पेशली सर्दी के मौसम में रोस्टेड वेजिटेबल्स, ब्रेड स्लाइस और सूप के साथ बहुत ही बढ़िया लगता है और ये बहुत हेल्दी भी होता है। सो लेट्स मूव टू माय मस्त किचन टू प्रिपेयर रोस्टेड ब्रोकोली और रोस्टेड कैप्सिकम। कढ़ाई में रोस्टेड ब्रोकोली और कैप्सिकम बनाने के लिए हमने लिए हैं एक ब्रोकोली और एक येलो कैप्सिकम। वैसे आप ग्रीन या रेड कैप्सिकम भी ले सकते हैं। ब्रोकोली का फ्लोरेट्स हम मीडियम पीसेस में काट लेंगे। ये देखिए, इस तरह फ्लोरेट्स का साइज़ लगभग मीडियम साइज़ का होगा, पर कुछ छोटा और कुछ थोड़ा बड़ा हो सकता है। अब हम इसे टैप वाटर के नीचे अच्छे से धो लेंगे। अब इसे हम एक बड़ा सा बाउल में शिफ्ट करेंगे और उसमें एक छोटी चम्मच ऑलिव ऑयल ऐड करेंगे और साथ में एक छोटी चम्मच बटर ऐड करेंगे। बटर सॉल्टेड बटर होगा और इसके साथ आधा छोटी चम्मच काली मिर्च, आधा छोटी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, ये रंग लाने के लिए, एक छोटी चम्मच ओरिगानो ऐड करेंगे। आप इन सारी चीज़ों को अच्छे से ब्रोकोली के फ्लोरेट्स के ऊपर कोट कर देंगे। अब हम कैप्सिकम को काटेंगे। सबसे पहले इस तरह कैप्सिकम को हम पकड़ करके एक नाइफ से कैप्सिकम का बीज वाला हिस्सा इस तरह गोल करके काट लेंगे और ये सीट वाला पार्ट निकाल देंगे। उसके बाद कैप्सिकम को दो टुकड़े में काट लेंगे और उसका सफ़ेद सफ़ेद लंबा लंबा पोर्शन जो है उसे निकाल लेंगे। ये देखिए, इस तरह हम कैप्सिकम को काटेंगे और लास्ट में कैप्सिकम को हम इस तरह स्ट्राइप्स में काट लेंगे। ये देखिए, अब दो कली लहसुन को हम लंबे लंबे काट लेंगे, पतले पतले स्लाइसेस में। गैस पर हम एक नॉनस्टिक पैन चढ़ाएंगे और उसमें एक टेबलस्पून ऑलिव ऑयल ऐड करेंगे और उसमें चॉप्ड गार्लिक और एक टुकड़ा सूखा लाल मिर्च ऐड करेंगे। लहसुन को गोल्डन ब्राउन होने तक हम फ्राई करेंगे और उसके बाद हम ब्रोकोली का फ्लोरेट्स ऐड कर देंगे इस तरह। ये देखिए, अब हम पैन में स्वाद अनुसार नमक ऐड कर देंगे। फ्लेम को हाई पर रखेंगे और 2 मिनट के लिए इसे इस तरह रोस्ट होने देंगे। 2 मिनट बाद फ्लोरेट्स को हम पलट देंगे और 1.5 मिनट और कुक करेंगे। अब फ्लेम को हम बिल्कुल लो पर कर देंगे और थोड़ा सा पानी कढ़ाई में स्प्रिंकल कर देंगे। पानी स्प्रिंकल करने के बाद हम कढ़ाई को ढक करके 2 मिनट और पकाएंगे और ये हमारा रोस्टेड ब्रोकोली बन करके तैयार है। 30 सेकेंड्स के लिए हम थोड़ा स्पून को चला दिए हैं और ये देखिए, इसे हम प्लेट में सर्व कर दिए हैं। उसी कढ़ाई में अब हम एक छोटी चम्मच ऑलिव ऑयल ऐड कर दिए हैं। तेल को अच्छे से स्प्रेड कर दिए हैं कढ़ाई के तले में। अब इसमें हम कैप्सिकम स्ट्रिप्स ऐड कर देंगे, उसमें आधा छोटी चम्मच काली मिर्च और थोड़ा सा पिंक सॉल्ट स्वाद अनुसार ऐड कर देंगे। फ्लेम को हाई पर रखेंगे और 3 मिनट चम्मच को बीच बीच में चलाते हुए हम कैप्सिकम को रोस्ट करेंगे। गैस बंद कर देंगे और ये हमारा रोस्टेड कैप्सिकम बन करके तैयार है। इसे हम सर्व कर देंगे। रोस्टेड ब्रोकोली और कैप्सिकम के साथ हम ब्रेड स्लाइसेस और सूप सर्व कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये था मेरा आज का रेसिपी। इसे अपना किचन में ज़रूर ट्राई करें और अगर आपको अच्छे लगे तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच फॉर विजिटिंग माई मस्त किचन।